रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विंध्य के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों की मदद से चिकित्सक नए आयामों को अंजाम दे रहे हैं। गत दिवस एक दिन में हृदय के 2 सफल ऑपरेशन कर मरीज को डिस्चार्ज किया गया। उक्त सफलता के संबंध में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बताया कि बड़े महानगरों में संचालित बड़े अस्पतालों में जो सुविधाएं मिल रही थी वह अब नए संसाधनों के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दे रहे हैं, जिससे विंध्य के लोगों को त्वरित और सस्ता उपचार मुहैया कराया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और हम लोगों ने इसीलिए इसको स्पेशली चूज किया क्योंकि ये लोग गरीब थे, ये कहीं बाहर भी नहीं जा सकते और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बाहर जाके बाईपास या वॉल्व रिप्लेसमेंट करा पाते। तो हम आयुष्मान में इनको रजिस्टर करके पूरी तरह से इनका मुफ्त इलाज हुआ है और इनका एक भी पैसा नहीं लगा है। और अभी आप यदि उनसे बात करेंगे तो वो अपनी सारी बताएं बताएंगे और किस तरह से डॉक्टर साहब के और एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से हम उनका ट्रीटमेंट सभी अच्छी तरह से कर पाए। जो भी चूंकि कई समय से सर्जरीज नहीं हुई थी तो उनकी जो व्यवस्थाएं थी, उनका जो सामान था, वो सब हमने स्पेशल तरीके से तुरंत मंगा के मुहैया कराया गया ताकि समय पर कार्य हो सके। ये ट्रीटमेंट अगर प्राइवेट में करवाते तो कम से कम 3 से 4 लाख पर मरीज खर्च हो जाता है, क्योंकि जगह से करा रहे हैं मगर मिनिमम इतना 3 करीब मान के चलें क्योंकि वॉल जो लगता है आर्टिफिशियल वॉल वो ही काफी महंगा आता है और प्रोसीजर कास्ट वो अलग है। हमारे साथ एनेस्थीसिया के डॉक्टर आलोक भी हैं जो सर्जरी में साथ में थे, तो वो भी अपना इसमें टेक्निकलिटी क्या होती है, जैसे कार्डिक सर्जरी जो अलग, ये वॉल रिप्लेसमेंट अलग क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि हार्ट को स्टॉप करना पड़ता है। जैसे बाकी सर्जरी में हार्ट चलता रहता है बट इसमें हार्ट को स्टॉप करके और उसका जो काम है वो एक बाईपास मशीन से किया जाता है। फिर हार्ट स्टॉप रहता है, फिर उसमें वाल्व बदलते हैं, सर्जरी करने के बाद हार्ट को वापस चलाया जाता है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल होता है। और ऐसे पेशेंट को हमने 12 घंटे में वेंटिलेटर से बाहर लिया है और 24 घंटे में उसको पानी और चाय अलाउ कर दिया और इतनी जल्दी रिकवरी, इतनी फास्ट रिकवरी बहुत ही रेयर होती है। ऐसे बहुत ही अटैक्स इंस्टीट्यूट में इतनी फास्ट रिकवरी होती है अपन ने। अब क्या स्थिति है वो आज दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं घर जा रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर ये है, आपने जो पेशेंट की उम्र बताई, एक की 48 दूसरे की 21, तो ये 21 साल में हार्ट की क्या वजह हो सकती है और क्यों इतना क्रिटिकल हो गया मामला? दोनों की बीमारियां जो है ना अलग अलग थी। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। पहला मरीज था उसका एओर्टिक वाल्व डिजीज थी, जो उसका वाल्व था जन्मजात ही 2 लीफलेट का बना हुआ था जिसे बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व कहते हैं, जो समय के एक पड़ाव आने पर 40 साल 50 साल पर डिजेनरेट हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है, उसमें कैल्शियम जम जाता है और वो रास्ता पूरा बंद कर देता है। ये जो 48 वर्षीय महिला थी इसको ये प्रॉब्लम थी। जो दूसरा मरीज था वो रोमेटिक हार्ट डिसीज से था। रोमेटिक हार्ट डिसीज ऐसी बीमारी है जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन की मानी जाती है, 8 साल से 16 साल 20 साल के जो बच्चे होते हैं इनमें शुरुआत इनकी हो जाती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है डिसीज का वो कम से कम 15 से 20 साल लगते ज्यादातर केसेस में। इस कारण 40-45 इसमें सारे हार्ट की डिसीज के पेशेंट मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें डिसीज 9-10 साल की उम्र में पहली बार शुरुआत होती है और बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसे कि उस बच्चे में 21 साल के बच्चे में हुआ और विद इन 10 ईयर उसका वाल पूरी तरह से बंद हो गया। एक हेरिडिटरी थी, आनुवंशिक रूप से उसको डेवलप नहीं हुआ था, बना ही नहीं था उसका बचपन में, और दूसरे को एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, उसके कारण से वॉल्व खराब हो जाता है। ये लोग अर्ली एज में ही प्रेजेंट करते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं? वही सांस फूलना, चल नहीं पाना, धड़कन अनियंत्रित होना, अगर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाते हैं।